Assalamu alaikum dear SLS students, welcome to the online classes. Today we will start our lecture number 16 और आज हम ग्रामेट्री की बुक से जो है काम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4. सो डियर चिल्ड्रंस, टूडेज अवर टॉपिक इज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. यूनिट नंबर 4, यू विल राइट टूडेज डेट एंड डे 22nd June Monday. Before the starting of our new lecture or topic, first we will see some new words that will help you to understand what are the prefixes. आज हम एक topic जो है prefixes को है वो हम complete करेंगे. As you will open your book page number 16, आप कुछ words जो हैं आप देख रहे होंगे book के page पर. हमारे पास word है like, but we add in this word dis. Our new word is dislike. Word is possible, we add im, the new words will be impossible. The word is sane, we add in insane. Word is holy, we add un, the new word will be unholy. The word is legal, we add ill, the new word will be illegal. Or illegal यानी कि लीगल कानूनी, और जब इलीगल हो जाएगा तो गैर कानूनी हो जाएगा, यानी कि उसका ऑपोजिट भी हो रहा है. वर्ड है लाइक और उसका ऑपोजिट जब डिस आपने ऐड कर लिया तो इसका ऑपोजिट भी हो गया डिसलाइक. वर्ड पॉसिबल, जब आपने इम ऐड कर दिया तो ये उसी का ऑपोजिट भी बन गया. फिटिंग, इल फिटिंग, ऐड किया हमने इल को तो इल फिटिंग. ट्रीट, ट्रेट, इलिटरेट. New word is regular, we add ir, or new word will be irregular. Responsible, zimmedar, irresponsible, हमने जब ir add कर दिया तो नया word हो गया irresponsible. Stop, non-stop. इसी तरह violent, non-violent. तो जैसे कि बच्चों आपने इन words के साथ आपने देखा कि कुछ letters हैं जो कि add हो रहे हैं words के साथ, उन वर्ड्स के अंदर, उन लेटर्स के अंदर इन, एयर, एम, डेस और एल, ये वर्ड्स जो हैं लेटर्स जो हैं जब वर्ड के साथ ऐड होंगे तो वर्ड जो है हमारे पास एक नया वर्ड बनेगा, और इससे उसका जो वर्ड है उसका मीनिंग टोटली यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि वो वर्ड का ऑपोजिट और एंटोनिम्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा. यानी कि लाइक का एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड डिसलाइक हो जाएगा. पॉसिबल का एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड इम्पॉसिबल हो जाएगा. इसी तरह बाकी तमाम वर्ड्स के भी जो हैं वर्ड्स के साथ जब हमने कुछ लेटर्स ऐड कर दिए तो वो उस वर्ड्स के एंटोनिम्स भी हो जाएंगे. अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नए वर्ड्स हमने ऐड किए हैं डेस, एम, एल, इन, एयर और नॉन के, जब ये किसी वर्ड्स के साथ ऐड हो रहे हैं तो इन वर्ड्स को हम क्या कह रहे हैं? ये जो हमने नए लेटर्स ऐड किए, ठीक है, प्लस के साइन से पहले, ये तमाम प्रीफिक्सेस हैं. यानी कि प्रीफिक्सेस क्या हो गए? प्रीफिक्सेस इज़ अ लेटर, सिंगल लेटर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है. प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर डैट वी एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड. यानी कि हम बिगनिंग स्टार्ट में हम ऐड कर रहे हैं और इससे जो वर्ड है उसका टोटली जो है वो मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि वो उसका एंटोनिम्स बन जाता है. तो इसकी डेफिनेशंस जो है वो आप कॉपी के ऊपर राइट करेंगे और प्रीफिक्सेस ब्लू कलर की बॉक्स के अंदर आपको ये आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखाई गई है, ठीक है. और ये आपका होमवर्क भी होगा, ठीक है. और प्रीफिक्सेस क्या होंगे? प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर डैट वी ऐड टू बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड, एंड द न्यू फॉर्म वर्ड विल बी द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड.
So now we will move to the activity number A that is given on the book page number 17. ठीक है, और आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनके साथ उनके प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं, यानी कि उनके स्टार्ट में कुछ लेटर्स ऐड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज सोसन डैश हिज सूटकेस एंड टुक आउट हर क्लॉथेस. वर्ड इज पैक्ड. पैक्ड का क्या होगा, हम प्रीफिक्स क्या ऐड करेंगे, अनपैक्ड. पैक्ड अनपैक्ड, जैसी बात है वो अनपैक करेगी सूटकेस तो तभी वो अपने कपड़ों को निकाल सकेगी. He was so weak that it was dash for him to go to work. Word is possible. हमने ऐड किया im कल प्रीफिक्स, सो न्यू वर्ड विल बी impossible. He was so weak, वो बहुत कमज़ोर था, so that it was impossible for him to go to work, कि उसके लिए ये नामुमकिन बात थी कि वो काम पर जाए. नंबर थर्ड, सम पीपल थिंक 13 इज एन डैश नंबर. वर्ड इज लकी, किस्मत. कुछ लोग जो हैं 13 को अपना लकी नंबर समझते हैं, तो लकी को के साथ हमने क्या ऐड किया, अन. तो वर्ड विल बी अनलकी. लकी का अनलकी जो है प्रीफिक्स भी हुआ, अनलकी जो है ये प्रीफिक्स हमने ऐड किया, और लकी का अपोजिट और एंटोनिम्स हो गया अनलकी. द कुकिंग ऑयल विल बी टेस्टेड एंड फाउंड टू बी डैश प्योर. ऐड किया हमने इम्प्योर, यानी कि हमने जब कुकिंग ऑयल को चेक किया तो वो ना खालिस था. प्योर खालिस एंड इम्प्योर ना खालिस. वो यूजली रेफर टू आर डैश थिंग्स एज इट लिविंग. लिविंग के साथ हमने क्या ऐड करेंगे प्रीफिक्स, नॉन लिविंग. तो हम चीज़ों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम रेफर करते हैं क्या, इट. सलीम वाज सो नर्वस डैट ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, सलीम बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा, सो दैट ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन. लेकिन फिर भी उसने आंसर कैसे दिए. वर्ड इज ब्रैकेट में जो गिवन है वो करेक्टली है, और करेक्टली का हमने ऐड किया प्रीफिक्स इनकरेक्टली, यानी कि उसने नर्वस होने की वजह से तमाम उसके जो आंसर्स थे वो यानी कि इनकरेक्ट थे, यानी कि वो ठीक नहीं थे, रॉन्ग थे. नंबर 7, ही लॉस हिज वे, रास्ता खो गया, एंड वाज डैश टू रीच द स्टेशन इन टाइम. वर्ड इज एबल. एबल के साथ हमने क्या ऐड किया, अनएबल. अन का हमने प्रीफिक्स ऐड किया, तो वर्ड विल बी अनएबल. वो रास्ता खो गया और वो स्टेशन वक्त पर पहुंचने के काबिल ना रहा. एबल काबिल, अनएबल काबिल ना रहा. द किंग डिसमिस्ड ऑल द मिनिस्टर्स हु वर डैश टू हिम. जी, द किंग डिसमिस ऑल द मिनिस्टर हु वर डैश टू हिम. लॉयल डिसलॉयल, जो उसके साथ मुखलिस नहीं थे उन मिनिस्टर को उसने डिसमिस कर दिया किंग ने. इट इज़ ऑलवेज डैश टू डू एनी थिंग्स इन हरी. वाइज, वर्ड इज वाइज. वाइज अनवाइज, ठीक है. वाइज कौन होता है, इंटेलिजेंट पर्सन, एंड अनवाइज कौन होगा, फुलिश. ही एट सो मैनी डैश एप्पल्स डैट ही फेल इल. उसने क्या खाए, बहुत सारे रिप पके हुए, अनरिप बगैर पके हुए, उसने बहुत सारे बगैर पके हुए एप्पल्स खाए, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बीमार हो गया. रिप का क्या हो जाएगा, अनरिप. नायाब ऑलवेज डैश विद वट एवर एनी बॉडी एल्स सेज. नायाब जो है हमेशा दूसरा जो बंदा बात करता है उससे हमेशा एग्री नहीं होता, बल्कि क्या होता है, डिसएग्री. वी एड डिस विद द एग्री वर्ड, डिस इज प्रीफिक्स. यू मस्ट नॉट डैश योर पेरेंट्स. ओबे, आपको अपने वालदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए. ओबे का क्या हमने ऐड किया प्रीफिक्स, डिसओबे. ओबे डिसओबे, यानी कि इसका ऑपोजिट भी हो गया. ही डैश द डोर एंड लेट द डॉग आउट. उसने लॉक्ड, लॉक्ड है वर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, अनलॉक्ड. ठीक है, अनलॉक्ड यानी कि दरवाजे को खुला छोड़ा और डॉग को बाहर जाने दिया. ही इज अ डैश मैन एंड हैज चीटेड मैनी पीपल. वर्ड इज ऑनेस्ट. ऑनर्स के साथ हमने प्रीफिक्स ऐड किया डिस, द नया वर्ड हमारा हो गया डिसऑनेस्ट. ही इज एंड डिसऑनेस्ट मैन एंड हैज चीटेड मैनी पीपल. वो एक बददयानत आदमी है और बहुत सारे लोगों को वो धोखा देता है.
सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका प्रीफिक्सेस का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में या बिगनिंग में जो लेटर्स ऐड करते हैं वो उसके प्रीफिक्सेस होते हैं। आपको नीचे इसी बुक के पेज पर जो है कुछ और मज़ीद भी दिए गए हैं। इंटर प्रीफिक्स है और इसके साथ आपने वर्ड ऐड किए हुए हैं इंटरनेशनल, इंटर क्लास, मिनी मिनी बस, मिनी सीरीज, मेल मेल प्रैक्टिस एंड मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल आपने ऐड किया। इसी तरह मिड, मिड आपके पास प्रीफिक्स है और इसके साथ में मिडवे एंड मिड नाइट। इसी तरह बच्चों आपने रिप्लाई एंड रिन्यू, सब कमेटी एंड सब कॉन्टिनेंट और सब डिवीजन। ठीक है, ये भी आपने सब के जो है उसके साथ जो है वर्ड ऐड किया। सुपर, सुपर फाइन, सुपर ग्लू और सुपर नेचुरल, अंडर, अंडरग्राउंड, अंडर हैंड एंड अंडर क्लॉथिस, अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेंट। तो आपने देखा कि ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो आपको स्टार्टिंग में दिए गए और साथ में इनके वर्ड्स ऐड हुए। तो प्रीफिक्सेस की आपने आज डेफिनेशन जो है वो कॉपी पर राइट करनी है और एक्टिविटी है आप बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।